मियाँ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। उनका कभी भी ये सब बात नहीं करेंगे। जो 50 रुपए के स्टाम्प पे भागा हुआ है वो किधर वापस आएगा? जो आपने भाई की हुकूमत में नहीं आ सका वो आप किधर वापस आएगा? आज ये आ जाए और इंशाल्लाह ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि मोस्ट वेलकम। आए तो सही, बात तो ये है कि आए तो सही मुल्क में। वो लोग हैं जो खोता बिरयानी खाते रहे हैं उसकी, और वो ही कहते हैं कि वो वापस आएगा। उसने वापस नहीं आना है, ना ही वो आएगा। केस फिर बहाल हो गई, उनकी प्लेटें फिर गिरना शुरू हो गई हैं मियाँ साहब। और नहीं मियाँ साहब ने नहीं आना, पहले तीन तीन चार चार वजीर आजम ने बनिया उसने की कीता भाई नहीं सब झूठ फर गए। उन्हें आगे पहले जाना के वजीर आजम बनिया तो बड़ा कुछ करना पाटा देगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूँ हसन तनोली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके गवाल मंडी में। जी हाँ नाज़रीन, ये वो इलाका है जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं और इलेक्शन लड़कर जीत भी चुके हैं। अब चूँकि पाकिस्तान में सियासी हलचल है, 21 अक्टूबर को मियाँ साहब ने वापसी का ऐलान भी कर दिया है, तो आइए उनके हल्के की आवाम से जानते हैं कि क्या वो नवाज़ शरीफ की वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे या नहीं। आइए हमारे साथ चलिए। कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट जाएंगे या नहीं? ये 1 लाख रुपए का सामान ये 2 थैलों में पड़ा, किसकी सुने? नहीं, आप इस्तकबाल करने जाएंगे या नहीं, आपका क्या ख्याल है? नहीं, आपके आप साहब का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप जाएंगे या नहीं? यार सारे जो भी आता है वो यही कहता है हम मुल्क सुवारेंगे। अब क्या है, आप नहीं जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, मुझे ना रोटी रोज़ी कमाने से फुर्सत मिलेगी। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि रोज़ी रोटी कमाने से फुर्सत मिलेगी तो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आप जाएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? बस अपना काम करना है, नहीं जाएंगे। बस साबिक वज़ीर आज़म है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? 5 दफ़ा वज़ीर आज़म हो जाए, हम लोग नहीं जाएंगे, अपना काम करेंगे। हमको क्या खाने का दे रहा है, हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं, घर का खाना अफोर्ड नहीं होता, बस जलसे में दिहाड़ी दो के जाएं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जलसे में अगर दिहाड़ी हो तो फिर जाएंगे? दिहाड़ी तो फिर भी नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं, हम उधर जाएंगे ही नहीं। अच्छा, आप जहाँ पे नवाज शरीफ आएंगे वहाँ पे अगर इमरान खान आए तो आप जाएंगे? फिर भी नहीं जाएंगे। मतलब आप अपनी रोज़ी रोटी कमाएं? हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? शुक्र अल्लाह। 21 अक्टूबर को वापस आना है नवाज शरीफ ने, उनका इस्तकबाल करने जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। अच्छा, आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह। इतनी महंगाई हो गई है मुल्क में, लोग काफ़ी जो है, ये जो लोग कहते रहते हैं छोटी टिन बड़ी टिन ड्राइवन, इसके इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये सारे लोग हैं जो कहते हैं, आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम इनको क्या देना है, शर्म खा लेंगे खुद ही, बेहतर है। आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक, आप? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, वापस आप जाएंगे इस्तकबाल? जी जी सर, जरूर जाएंगे नवाज शरीफ के पास। आइए आप मजीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत कैसे? अल्लाह का शुक्र। गुस्से में लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे काम कर रहा हूँ। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आप जाएंगे इस्तकबाल के लिए? हम तो नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ ने हमारे लिए क्या किए? क्यों नहीं जाएंगे, 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, इमरान खान हो जाए फिर आदमी जाले जाए, इमरान खान नहीं है तो नवाज शरीफ के बाद नहीं जाएगा। नवाज शरीफ के लिए आप नहीं जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, तो आप ये जो लोग कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे, इनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? ये जो बोले कि पैगाम दे, ये जा रहे जो जाने जाने दें, हम तो नहीं जाएंगे, किसी को कोई आ सकता। यानी कि आप इमरान खान को? हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे। तो मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आप जाएंगे इस्तकबाल के लिए? नहीं सर, इन्ना टाइम ही नहीं है, उन्होंने फिर थानू पहुँच लिया असी जी पा दिता है कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, असी नाले कि जाना है भाएं साढ़े मुल्क हालात वेखो कितने समझ लो टल गए हैं, 350 रुपये किलो गैस हो गई है वीर जी, असी नहीं जा सकते है, तुहाडी मेहरबानी, असी मदद चाहते हैं, वेखो साडी। देखें ये उनका इलाका है, इस आवाम ने उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया है, वो वापस आ रहे हैं, आपको मेरे ख्याल से जाना चाहिए। सर गल ये है, बाकी उन्होंने इलाका है ग्वाल मंडी, वो समझ लो बड़ी देर से, असं भी इतों के रहने वाले हाँ, गल कर। आपने उनको वोट दिया था? वोट तो इंशाल्लाह असी सारी उम्र उन्होंने ही दिता है, किसी PTI वोट नहीं दिता। आप उनको फिर वोट देंगे? वोट तो वेखे सूरत हाल वेख के देंगे इंशाल्लाह, गलत गल नहीं करते हैं, अगू आने वाला वक्त वेख लो कि महंगाई हो गई है सर, बहुत मुश्किल हो गई है, वक्त तो पहला बाल सफेद हो गए हैं सर,
ਹੋਰ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਛੋਟੀ ਟਿਨ ਬੜੀ ਟਿਨ ਰਾਏਵਿੰਡ, ਇਨਕੋ ਆਪ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂ? ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਰਾਏਵਿੰਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਉਹ ਰਾਏਵਿੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਦਦਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ 4 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਗਾਈਏ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਜਾਏਂਗੇ ਇਸਤਕਬਾਲ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜੇੜਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ? ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੇਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਜਾਏਂਗੇ ਕਿਆ? ਉਹ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਦੇਤਾ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਦੇਤਾ? ਵੋਟ ਕਿਸਨੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੀ ਆਪ? ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੋਟ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ? ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਨਕੋ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 350 ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਵਾਮ ਕੇ ਹਮੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮੇ ਵੋ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਹਮ ਮੀਆਂ ਕਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਪੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਉਨਕਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਕਾ ਹਲ ਕਿਆ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਬਤਾਏਗਾ। ਮੁਝੇ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।